हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देखा, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरे घर की हालत देखिए। सुबह सुबह सभी के घरों की हालत लगभग ऐसी ही होती है, तो बस हम हैं ना महिलाएं इसे सब कुछ सही करने के लिए। तो बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड अपने काम पर जा चुके हैं, और ये देखिए अलमारी की भी हालत कुछ सही नहीं है, सारे कपड़े इधर उधर हो गए हैं। 1 वीक में 2-3 दिन के बाद कपड़े ऐसे ही हो ही जाते हैं अलमारी में, कितने भी आप अच्छे से रख लीजिए ऐसे ही हो जाते हैं। और कल मैंने कपड़े धोए थे, इसीलिए मैंने पर्दे वगैरह रूम में ही सारा रखा है। अब मैंने कस ली है कमर और उसके बाद फिर मैं अब शुरू करती हूँ अपना काम, रूम को साफ सफाई करने की, सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखने की। तो कल कपड़े धोए थे जो, वो सारा कुछ मैंने समेटा नहीं है। अब आज अपनी अपनी जगह पर पर्दे वगैरह लगाऊँगी, तो काम थोड़ा सा ज़्यादा है सुबह में। और सुबह के 7 बजे से 2 घंटे का काम है, 7 से 9 बजे का जो भी मेरा काम है वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। हम महिलाओं के पास काम की कोई कमी नहीं होती, काम भरपूर मात्रा में रहता है और काम को एंजॉय करना चाहिए। तो बस मैं अपने काम में लग गई हूँ। पहले मैं टेबल को अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि टेबल पर पानी वगैरह जो रखते हैं वो सब ग्लास वगैरह जो जूठा रहता है वो सारा बाहर निकालूंगी। और खिड़की में पर्दे थे तो पर्दे मैंने धो दिए थे, तो अभी मैं खोज रही हूँ कि किधर गए। तो ये फूल जो है फूल आपस में उलझ गए, मैं इन्हें सही कर लेती हूँ। महिलाओं का काम जो है वो सुबह के 4 बजे से शुरू हो जाता है, और अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उससे पहले भी उठते हैं लोग, लेकिन मेरा टाइमिंग है 4 बजे का। 4 बजे उठना, टिफ़िन, बच्चे को तैयार करना, स्कूल भेजना, स्कूल बस आ जाती है जल्दी जल्दी। तो काम जो है काम बहुत रहता है, लेकिन अगर इसे फुर्ती में किया जाए तो काम को समय रहते निपटाया जा सकता है। तो बस मैं भी अपना जो घरेलू काम है मैं वो ही करती हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरी वीडियो देख रहे हैं सब लोग। और हर एक महिला के पास होता है ना कि हाँ आज ये करना है, रोज़ कुछ ना कुछ नया काम आते ही रहता है कि आज साफ़ सफाई करनी है, तो आज किचन के डब्बे साफ़ करने हैं, तो आज ये करना है तो करना है। इसलिए काम जो है, काम की कमी नहीं होती, काम तो रहता ही है बहुत सारा। और रही बात और सब चीज़ों की, तो काम के साथ साथ महिलाएं घर में जैसे सिलाई करना ये सब भी वो कर लेती हैं, क्योंकि एक तरह से हमारे घर के जो पैसे हैं वो बाहर ना जाए, घर में उसे बचत कैसे करें, ये सब हम महिलाओं का ही काम होता है। तो हम लोग वो काम भी बहुत ही अच्छे से और बारीकी से करते हैं, हर एक महिला को करना ही चाहिए। तो मैं भी थोड़ी बहुत सिलाई करती हूँ, तो अभी मैं कुछ नहीं सिल रही हूँ क्योंकि अभी प्रेगनेंसी का टाइम है, तो थोड़ी दिक्कत होती है काम वाम करने में, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ किया जा सकता है। तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं ब्लॉग रोज़ नहीं डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि एक ब्लॉग मेरा आ ही जाए। मेरी अलमारी की हालत देखिए कैसी है, अभी मैं सारे कपड़े निकाल करके उसे जल्दी से सबको अरेंज कर लूँगी। और ये जो कपड़े कितने भी आप अलमारी में अरेंज करके रख दें अच्छे से, लेकिन फिर भी कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक भी कपड़ा अगर निकालते हैं तो सारे इधर के उधर होने लगते हैं। तो टाइम टू टाइम अगर इसे अरेंज किया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब अलमारी खोलते हैं तो देखते हैं कपड़े अरेंज नहीं है तो मन अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए मैंने सारा कुछ अरेंज यहाँ कर दिया है, थोड़े अच्छे हुए हालत उस तरफ की, तो अब अच्छा थोड़ा लग रहा है कि चलो। उसके बाद फिर बारी आती है साफ़ सफाई की। देखिए जितने रूम में कपड़े वगैरह थे सारा कुछ मैं एक एक करके सब अलग कर लेती हूँ, क्योंकि अब ठंड का मौसम ख़त्म हो गया है, तो कपड़े जो धोए थे वो सारे बक्से में रखने हैं फ्लेन की गोली दे करके, क्योंकि अब साल भर बाद ही काम आएंगे। और कुछ एक दो चादर की ज़रूरत अभी भी पड़ती है, क्योंकि ये कूलर जब चलता है तो थोड़ी गर्मी और थोड़ी ठंड दोनों लगती है। तो ये मौसम अभी ऐसा ही रहेगा मई महीने तक, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम में सर्दी खांसी बुखार ये सब का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए पंखे वगैरह जो है वो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, कि पंखे ज़्यादा देर अगर चलते हैं तो छोटे बच्चे हैं, तबीयत ख़राब होने का रहता है डर। और ये सारा कुछ सामान वगैरह देख रहे हैं बक्सा पे जितना भी था, सारा कुछ मैंने सब सेट करके रख दिया अपनी अपनी जगह पे। अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद रूम की हालत देखिए कैसी है। रूम मेरा थोड़ा ठीक लग रहा है, तो ये हो गई। रूम में जितने भी सामान थे सारे मैंने अरेंज कर लिए अपनी अपनी जगह पर, जिसे बक्सा में रखना था मैंने वो भी रख दिया। अब मैं दिखा रही हूँ आपको बाहर की साफ सफाई, जो
नौ बजते बजते सब कर लेनी होती है, क्योंकि हमारे आंगन में ना बहुत ज़्यादा धूप आती है, इसकी वजह से जल्दी जल्दी अगर काम नहीं निपटाया तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, आंगन में रहा नहीं जाता। तो आंगन वगैरह सब कुछ, पर्दे वगैरह अपने जगह पे सेट हो चुके हैं। देखिए यहाँ बैठने का जगह है और ये रूम की हालत सही हो चुकी है। तो अब मैं चलती हूँ नहा के नाश्ता करने। आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।